नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज जन सुराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों, प्रसिद्ध चिकित्सकों, प्रबुद्ध नागरिकों, महिलाओं और युवाओं से जन सुराज की सोच को लेकर संवाद किया और लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने बिहार के विकास के लिए सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास पर बल देते हुए आगामी 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम से पदयात्रा शुरू कर बिहार के हर गली, गांव, शहर, कस्बों के लोगों से मुलाकात करने और उनकी समस्याओं को सुनने की बात बताई। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने जन सुराज की सोच पर आधारित इस कार्यक्रम की बड़ी सराहना की। आप देख रहे हैं चौपाल समाचार में वरीय संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। तो मैंने जैसा आपको बताया, आज आपसे परिचय करने आए हैं, कुछ बात बताने आए हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपसे सुनने और समझने आए हैं। मेरा नाम प्रशांत किशोर है। बिहार के सासाराम जिले के एक छोटे से गांव कोनार से आता हूं। मेरे पिताजी यहां पर सरकारी सेवा में डॉक्टर थे और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बिहार के बोड़ा वाले सरकारी स्कूल में ही हुई है। उसके बाद साइंस कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला और उसके बाद की शिक्षा बिहार से बाहर हुई है। शिक्षा खत्म होने के बाद 10 बरस तक मैं संयुक्त राज्य ये यहाँ पे हम लोग आए हैं, जिसका शुरुआत प्रशांत किशोर जी किए हैं जन सुराज के द्वारा, और इसे पूरे बिहार में 2 अक्टूबर से पदयात्रा के जरिए हर गांव, हर पंचायत, हर जिला, हर मोहल्ला में इसका शुरुआत होगा। क्या आपकी संतुष्टि है, ये कुछ बदल पाएगा? जी, पूरा पूरा यकीन है, भरोसा है और ये नई परिवर्तन होकर रहेगा। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नूरालम हुआ, मैं जन सुराज से जुड़ा हुआ हूँ और बिहार की बात से भी फर्स्ट टाइम जुड़े हुए थे। आप अभी आए इस कार्यक्रम में, क्या कुछ सीखा समझा? देखिए, पहली बात, आज़ादी के 70 साल बाद एक बहुत बड़ा मुहिम की शुरुआत की गई है जो जनता के लिए, जनमानस की महत्वाकांक्षा को पूरा करेगा। और बिहार की जो बंटाधार किया है, जो तथाकथित राजनीतिक दलों ने जो जनता की बात पर आते हैं और जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं, तो इसलिए यह यात्रा है एक जन स्वराज मुहिम को, जो 2 अक्टूबर से पदयात्रा शुरू की जा रही है उसके लेकर आज यह पूरे ज़िले में जनसंपर्क अभियान चला। एक दिवसीय आज प्रशांत जी का यहाँ पर दौरा था, काफ़ी उत्साह, मतलब जितना सीटिंग कैपेसिटी थी उसके 3 गुना सीटिंग कैपेसिटी यहाँ मैनेज करना पड़ा है। और जिस कदर से महिलाओं में, नौजवानों में उत्साह है, पहला बार देखा जा रहा है कि जेपी के बाद एक नया मूवमेंट बन रहा है। जेपी का जो आंदोलन था उसके बाद एक नया मूवमेंट, और कोई राजनीतिक रसूख नहीं और एक अपने कर्म के बल पर पहचान बनाकर पूरे देश में, और बिहार का बेटा आज पूरे देश में डंका दे पीट रहा है और आज बिहार में लौटा है। तो जो उत्साह है एक शिक्षा के साथ राजनीति और उम्दा सोच के साथ राजनीति, उसी का पटकथा यहाँ मुजफ्फरपुर में लिखी जा रही है। हम लोग पूरे तन मन धन के साथ इस मुहिम के साथ है, प्रशांत किशोर जी के साथ। अनय राज, युवा शक्ति का राष्ट्रीय संयोजक। देखिए, बिहार की राजनीति एक दिन समझने की चीज़ नहीं है, यहाँ तो राजनीति समझने के लिए पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। लेकिन प्रशांत किशोर एक युवा चेहरा है जिनसे काफ़ी उम्मीदें हैं बिहार के युवाओं को, और हम उनसे काफ़ी 2018 से उनसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी उनसे बातचीत भी हुई है। बातचीत के दौरान हमने एक ही चीज़ समझा है कि अगर बिहार में कोई तीसरा विकल्प है तो अगर हम प्रशांत किशोर को लाते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा। बशर्ते जो जन सुराज है इसके जरिए जो है एक मंथन जो करने चले हैं वो मंथन एक बेटर होगा, क्योंकि यह आंदोलन है जो आंदोलन के जरिए ही बिहार में एक नए स्वराज की स्थापना हो सकती है। तो हमको ये जो है प्रशांत किशोर जी तो पहले से ही आई लाइक यू, बट उनकी जो सोच है वो इससे भी बेटर है, और इस सोच को अगर स्थापना किया जाए युवाओं के बीच में, खासकर महिलाओं के बीच में, तो हम लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि हम
कहीं भी जा रहे हैं तो जैसे कि उन्होंने कहा हर राजनीति पार्टियां जो है झंडा ढोवाने का काम करती है, पर एक वहां पे पदस्थापित स्थापना के लिए किसी को कुछ नहीं देता। तो ये देखना है कि हमारे प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए क्या कर सकते हैं, चूँकि बिहार तो 28वें स्थान पर है ही, और सबसे ज़्यादा अगर 28वें 27वें कही या 26 कहिए तो हम महिलाएँ हैं और युवाएँ हैं, तो हमें उनसे काफ़ी उम्मीद है और काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला, क्योंकि ये राजनीति के एक चाणक्य कहे जाने वाले चीज है वो, तो चाणक्य से कुछ सीखने को मिला तो ये हमारे लिए बहुत सराहनीय है और बिहार के लिए भी उत्तम है। और हम मैं महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष YSS से डॉक्टर सुषमा भारती देखिए कहना चाहेंगे जी, हमारे प्रशांत किशोर जी मुजफ्फरपुर में पधारे हैं, हम लोग के सुने जाए जिला में आ रहे हैं तो हमको बहुत खुशी हुआ है। उनका विचारधारा बहुत ही अच्छा लगा, विचारधारा से हम लोग संतुष्ट है, खुश है, इसलिए हम लोग समर्थन करते हैं। मेरा नाम संतोष कुमार चौठी यादव, बहुराज विधानसभा का पूर्व विधायक प्रत्याशी।